तो आज होने वाली है लोयल एसएमपी की सबसे बड़ी गैंग वार, जिसमें लड़ने वाले इस एसएमपी के दो पावरफुल टीम्स जेड गैंग और बुल्स गैंग। बट ये वार बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला है और इस वार में सिर्फ दो टीम्स नहीं बल्कि पूरे के पूरे सर्वर लड़ने वाला है। तो ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ जानने के लिए हमें जाना होगा 10 दिन पहले। तो टेडी भाई और मेरी शुरू से ही नहीं बनती है इस एसएमपी में, हमारे बीच में काफी सारे झगड़े होते रहते हैं और लास्ट टाइम तो शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया क्योंकि मैंने अपने दोस्त को उनके टीम में एज अ स्पाई भेजा, उनके सीक्रेट बेस को ढूंढा और उनके पूरे टीम और बेस को एक ही साथ बम लगा के उड़ा दिया। और गाइज इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगा है तो हो सके तो प्लीज एक लाइक कर देना और मैं गेमबीट के साथ रेस में हूँ 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए, तो चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो ये सब होने के बाद टेडी भाई और उनकी टीम चुप तो नहीं बैठने वाले थे, तो बुल्स गैंग का एक मेंबर युग प्लेज मेरे पास आ गया एक प्रपोजल लेके। ये आ गए भाई मेरे लेटर लेके। कॉफी भाई। हाँ बताओ युग क्या चाहिए? आपको नहीं लगता कि आपकी गैंग कुछ ज्यादा ही कर रही है आजकल दवाई? भाई सबसे पावरफुल गैंग है तो थोड़ा बहुत तो दिखेगा ही ना ऑब्वियसली। बताओ क्या बोल रहे थे? अभी बात ना सर के ऊपर चढ़ चुकी है। गलती यह की है कि आप चाहते तो टेडी भाई से रिवेंज ले सकते थे पर आपने पूरी टीम को मारने का सोचा और बेस भी उड़ाने का सोचा। भाई तो तुमने भी तुमसे भी तो लेना था, ये देखो पीछे क्या पहन के आए। ये तो सिर्फ लाइटर की बात है, आपको दे दूंगा ना बाद में। ओके ठीक है। हाँ बताओ क्या प्रपोजल है, क्या लेके आए हो? तो मैं चाहता हूँ कि हम ये मामला सुलझा दे और एक गैंग वॉर करें। गैंग वॉर? हाँ। तो थैंक यू सो मच ओपेरा जीएक्स ब्राउजर इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। ओपेरा जीएक्स एक ऐसा ब्राउजर है जो कि हर गेमर को यूज करना चाहिए और मैं भी यूज करता हूँ। ओपेरा जीएक्स ब्राउजर गेमर्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है और इन दिनों माइनक्राफ्ट में ना हम इतने सारे मॉड्स को लगा के खेलते हैं, सीरड्स को लगा के खेलते हैं, जिसकी वजह से गेम बहुत ज्यादा लैग करता है। बट ओपेरा जीएक्स के जीएक्स कंट्रोल फीचर से तुम लोग अपने पीसी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो। इधर पे तुम लोग अपने सीपीयू और रैम यूजेस को लिमिट कर सकते हो जिसकी वजह से तुम लोगों को बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। और इधर पे तुम लोग देख सकते हो कि नॉर्मल ब्राउजर ना अपने ओपेरा जीएक्स ब्राउजर से बहुत ज्यादा मेमोरी यूज करते हैं। नॉर्मल ब्राउजर से ग्लास के गोलेम जैसे होते हैं, एकदम वीक और कमजोर। बट ओपेरा जीएक्स ब्राउजर इस डायमंड के गोलेम जैसे होता है, एकदम पावरफुल और खतरनाक। इस ब्राउजर में हम अपने थीम और वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं और इवन एनिमेटेड वॉलपेपर्स को भी यूज कर सकते हैं। और कभी कभी अगर तुम्हें पॉडकास्ट या फिर गाना सुनने का मन हुआ तो इधर जीएक्स प्लेयर खोल के तुम लोग सीधा ही सुन सकते हो बिना झंझट का। और इस ब्राउजर में ना गाइस डिस्कॉर्ड इंटीग्रेशन भी है जिसकी मदद से तुम लोग सीधा डिस्कॉर्ड के अपने फ्रेंड को कॉल करके बुला सकते हो। तो गाइज मैंने तो अभी ओपेरा जीएक्स ब्राउजर पे शिफ्ट कर लिया है और ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस थी। तो तुम लोग भी इस ब्राउजर को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम ये मामला सुलझा दे और एक गैंग वॉर करें। गैंग वॉर? हाँ। गैंग वॉर करना चाहते हो तुम लोग? हाँ। हार जाओगे युग? मर जाएगा तू। कॉफी भाई वो तो उसी में ही देखा जाएगा कि कौन हारता है और कौन जीतता है। सच्ची में करना है? चल हम तो रेडी, हम रेडी है युग। जाओ फिर हम भी तैयार हैं। जाओ प्रिपरेशन शुरू करो युग, बेस्ट विशेस। ठीक है चलता हूँ मैं। ओए घोड़े भी लेकर चला गया अबे चोर के छोड़ दिया भाई, एक तो एलेक्ट्रो लेकर गया था, घोड़ा भी लेकर जा रहा है। चलो युग मिलते हैं वार में, फिर मिलते को भी भाई वार में। तो युग ने आके मेरे को बोल दिया था कि उनके गैंग द बुल्स गैंग हमारी गैंग चैट गैंग से लड़ना चाहती है। वैसे इसमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अपने गैंग एसएमपी की सबसे पावरफुल गैंग है। बट फिर भी यार इतना बड़ा वार होने वाला था तो हमारी टीम को भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर तो होना पड़ेगा। तो शायद ना गाइस मेरे टीममेट्स अपने सीक्रेट बेस के अंदर ही होंगे, तो सबसे पहले ना उनके पास चला जाता हूं और उन्हें ना ये बात खबर करके आता हूं। भाई हमें थोड़ा बहुत तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, वैसे हम इजीली हरा तो देंगे भाई उनको। किधर हो गाइस? हम अपने सीक्रेट बेस में। सीक्रेट बेस का रास्ता मैं भूल गया। ओ ये रहा, आ रहा हूं मैं। आ जा। ओके गाइस तो मेरे पास तुम लोगों के लिए एक बहुत ही ताजा खबर है। बता। बोलो भाई। तो अभी युग आया था और वो लोग बोल रहे हैं कि हमने उनको जो मारा था ना लास्ट टाइम, उसका बदला, मतलब वो लोग उसके लिए वार करना चाहते हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि
एकदम पीपीपी वाला वार होगा अपने बीच में, उनके गैंग और अपने गैंग के बीच में। फिर क्या टेंशन है भाई, पेल देंगे यार। इजी है वैसे भाई, कोई सीन नहीं, इजी है। बट ये देखो भाई, अभी अभी बल्की को पेल के आ रहा हूं, तो उसका मेरे को ये सब। ओ भाई क्या है पीएसजी, मतलब ओ तुम लोगों के बीच में कुछ चल रहा था ना चैलेंज। हां उसने पीवीपी चैलेंज दिया था, मैंने पेल दिया। ओ भाई, चलो ओके, बल्की का तो ठीक है भाई, वो तो अभी पीस पीस करके लगाए, उसका उसके साथ तो शायद उतना इश्यू नहीं है। बट टेडी का गैंग भाई, वो लड़ना चाहता है तो उसे तो हरा देंगे, हरा देंगे ना उनके गैंग में, क्या सीन है, कोई नहीं उनके गैंग में। अच्छा हां हरा देंगे, बट थोड़ा बहुत ए घोड़े को मार। ओके गाइस, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं और फिर उनको दिखाते हैं कि इस एसएमपी का सबसे खतरनाक गैंग कौन है। तो मैंने अपने गैंग को भी इन्फॉर्म कर दिया था इस वार के बारे में, और वो लोग भी इस बात को लेके एकदम चिल थे, क्योंकि भाई सबको पता था कि ये वार हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी होने वाली है। बट फिर भी हम थोड़े बहुत प्रैक्टिस करने के लिए पीवीपी अरीना में चले गए। हम ऐसे प्रैक्टिस कर ही रहे थे, तभी डिस्कॉर्ड के ग्रुप पे एक कॉल आता है। हेलो गाइस, क्या चल रहा है, क्यों कल किए, और सेनपाई क्यों है इधर, सेनपाई किधर जा गए? अरे मैं आपको कुछ बताने आया हूं यहां पे, तो अभी जितना मुझे पता है आप लोग की फाइट होने वाली है ना बुल गैंग के साथ। हाँ भाई, बहुत मुझे ये सब कैसे पता भाई। हाँ क्योंकि उस फाइट में मैं भी आने वाला हूँ आप लोगों को धोने। क्या? यस धोने। एंड अगर आप लोग को लग रहा है कि ये सरप्राइज अकेला एक सरप्राइज है, एक और सरप्राइज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है? बताओ जो चार गैंग है। क्यों कर रहे तो ये सब? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मुझे भूल गया। नहीं सुनो, मैं तभी तो मैं बता रहा हूँ, तो पुराने दोस्त हो ना उस एसएमपी से भाई। हाँ आई नो, इसीलिए मैं इधर, वरना मुझे फर्क नहीं पड़ता था। चैट गैंग भी आ रही है वहाँ पर, पूरा सर्वर आप चैट गैंग, चैट गैंग आ रही है, चैट गैंग हमें है भाई, हम तो आएंगे ही ना भाई, हमारी मैच है। डाकू गैंग भी उधर आ रही है। क्या बात कर, क्या? हाँ तो एक तरीके से पूरा सर्वर, पूरा सर्वर ही आ रहा है ना भाई, मतलब हाँ देखा जाए तो हम तीनों को मारने के लिए पूरा सर्वर जुगाड़ा है भाई उसने। बट एक मिनट, तुम उनके साइड में हो सेनपाई, तो हमें ये बता क्यों रहे हो, कोई झाल कर रहे हो क्या कुछ? जितना नहीं, जितना मुझे पता था उस हिसाब से ये टीम वर्सेस टीम होने वाला था, जो कि फेयर था। हाँ। लेकिन अब ये नई न्यूज मुझे पता चली है कि ये डाकू गैंग भी आ रही है एंड स्टफ, एंड पीएसडी भाई को मैं पहले से जानता भी हूँ। हाँ। तो मुझे लगा बताना जरूरी है ये, एंड इससे ज्यादा तो मैं क्योंकि टीम वर्सेस टीम होने वाली थी, और फिर ये लोग बीच में ये सब क्यों कर रहे हैं? रूल्स वर्सेस सैड होने वाली है ना, डाकू गैंग को क्यों आना है बीच में भाई? वही तो, ये तो अनफेयर होगा भाई। अभी कॉपी भाई इतना ही मेरे को पता था, ठीक है, जितना मुझे पता था मैं बता दिया, और इससे ज्यादा मैं हेल्प कर भी नहीं सकता, बिकॉज मैं उस टीम में हूँ। तो आप लोग देख लो अब आप क्या कर सकते हो वॉर में, बिकॉज धुलाई तो जम के होगी फिर आप लोग की, ठीक है? ओके, यू गॉट दैट पार्ट रॉन्ग, वी विल सी ऑन दैट यार। के भाई, तो वार से जस्ट एक दिन पहले इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट पीवीपीयर सेनपाई स्पाइडर आता है और हमें बताता है कि वो हमारे एनिमी के साइड से लड़ने वाला है वार में। और बस इतना ही नहीं, बाकी के दो गैंग्स डाकू गैंग और बुल्स गैंग भी मिल गए हैं, तो अब तो हमें इस वार को जीत पाना ऑलमोस्ट इम्पोसिबल हो चुका था। पीएसटी भाई, यस गाइस, वी आर फक्ड, हम कुछ कर ही नहीं सकते भाई, पूरे एसएमपी अपने अगेंस्ट में, और ऊपर से सेनपाई भाई वो बहुत मारता है, मैंने जितना सुना है। हां वो मारता तो बहुत है वो। क्या करे पीएसटी भाई, अब तो कुछ चाह रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई कुछ। गैम्बिट, सोचो कुछ भाई। नहीं भाई, भाई 1v1 टीम का फाइट था, क्या कर रहे हैं लोग, क्यों करना है ये? वैसे तो हमने लास्ट शायद वैसे हमने सब ही कर दिया, इसलिए बैन ही करना चाहते हैं भाई, सबको ही मार रहा था हमने एक। अरे वो बात ये है ना, हां हम लोग तो, हम लोग ने समझौता किया, चलो ठीक है वॉर चाहिए, करेंगे वॉर, टीम वर्सेस टीम की बात हुई। हाँ। फिर भी ये अब कर रहे, सेनपाई को लाया, चलो ठीक है लाया, उसके बाद पूरा सर्वर भी लाया। हाँ सेनपाई को लाया, इतना तो ठीक है, बट पूरे सर्वर अपने अगेंस्ट में, क्या चल रहा है क्या उधर भाई, सब देखने आओ भाई। भाई बैन कर देंगे इसे तो हम तीनों, ये सिद्धार्थ भी नहीं ऊपर से भाई, उसको अभी जाना है कुछ। ये किधर सोया रहता है भाई ये सिद्धार्थ, काम के टाइम पे नहीं आता भाई, अब कैसे करेंगे ये सब? सात भी नहीं, आठ है क्या सेनपाई के साथ? तो 3 vs 8
जानते हुए कि सारे मारने वाले हमने एक्सेप्ट तो कर लिया है वॉर और हम पीछे नहीं हट सकते अभी इससे। सोचो गाइस पीएसडी मास्टरमाइंड सोचो कुछ भाई जल्दी सोचो भाई सोच लो देखो एक आइडिया है जिससे अपन ये पूरी चीज पलट सकते हैं। हाँ बताओ ठीक है। तो जितना मैं सेनपाई को जानता हूँ सेनपाई हमेशा एक वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है। अगर तुम उसको किसी चीज के लिए सही तरीके से पे करोगे तो वो काम करेगा। ओके ये तो मस्त चीज है भाई। हाँ अगर हम उसको पैसे दे सके हाँ तो सेनपाई को हम अपनी साइड कर सकते हैं और पूरा गेम बजा सकते हैं टीम बुल्स। और सेनपाई अपने साइड आएगा ना अपने पास थोड़ा सा तो चांस हो जाएगा क्योंकि भाई हम फिर भी 4-4 vs 7 तो हो जाएगा। पर वो सस्ते में नहीं करेगा भाई तो हाँ। देंगे क्या उसको? हम तो भिखारी है नल्ले बेरोजगार। रिलैक्स बॉयज रिलैक्स क्या देंगे आपको पता होगा आज ही मैंने बल्कि के साथ 1v1 करा था। वो नेदरराइट ब्लॉक्स के बाद उसके 1v1 को 10 नेदरराइट का मुझे प्राइस मिला था 10 नेदरराइट के ब्लॉक्स तो वो हम उसको ऑफर कर सकते हैं। मानेगा क्या उतने में? अरे 10 नेदरराइट ब्लॉक बहुत होता है भाई बहुत ज्यादा होता है। आपने बोला महंगा है ना तो खा जाएगा। हां भाई ओके तो तू प्रपोज कर देना उसको। नहीं ना मतलब ये बिजनेस डील प्रपोज करते बुलाओ उसको पीएसडी भाई बुलाओ इसी में बुलाओ। तो अब हम सेनपाई को अपने टीम में ज्वाइन करने के लिए ऑफर करने वाले थे 10 नेदरराइट के ब्लॉक्स क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही एक तरीका बाकी था वार को जीतने का। हेलो सेनपाई। हेलो ओके तो तुमने बोला कि तुम अपने एसएमपी में आ चुके हो क्या ये प्रूफ कर सकते हो सर्वर के अंदर आके? मुझे अलाउड नहीं है वैसे तो ज्वाइन करना वॉर के पहले। मतलब तुम बता रहे हो हमारा भाई वैसे आके दिखाना अगर भाई वैसे अलाउड तो हमें बताना भी तो अलाउड नहीं था सर ज्वाइन करके दिखाओ। बात सही है वैसे तो ओ सच्ची में वाइट लिस्टेड है। हां भाई क्यों ही झूठ बोलूंगा मैं सोचो ना एक बार ऐसे अरे भाई तू अरे ओके रुको सेनपाई। हां आपके लिए ना हमारे टीम का एक प्रपोजल है। बताओ तो हमने जो सुना है पीएसडी बोल रहा था कि आप एक बिजनेसमैन टाइप का बंदे हो जो कि फायदे के लिए लाइक कर सकता है चीजें। डिपेंड्स मतलब एग्जैक्टली क्या चाह रहे हो आप? 10 नेदरराइट ब्लॉक्स दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू 10 नेदरराइट ब्लॉक्स एंड आई अज्यूम आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोग के लिए फाइट करूं। या मतलब तू उनके साइड में रहेगी हमारे साइड में रहे समझा like, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि आप हमारे साइड से लड़ रहे हो बट जब फाइट होगी क्या देखो सेनपाई मतलब तुम इतना अच्छा फाइट करते हो और तुम्हें मजा क्या आएगा भाई इतने वीक 3 बंदे को मारने में? वो तो बात नहीं है तुम्हें मजा क्या आएगा सेनपाई बस गिम्बिट और मेरे को मारने में वो भी 8 बंदे मिलके। लेकर आते रुको एक बेस दिख रहा है सबसे अच्छा घर इस वन पे औसान की शॉप। अच्छा पीएसडी भाई का हाउस है। हाँ हाँ आ गया मैं तो आ जाओ ऊपर नहीं नीचे आना है ये गए इस साले नेदरराइट आर्मर ले आया सब कुछ उन्होंने दिया ना ये सब या मेरे को पता था उनके साइड से लड़ने के लिए। आ जाओ भाई तुम्हारे पूरे खानदान को इनफ नेदरराइट होगा भाई इतने देंगे ये सब तो नेदरराइट ही नेदरराइट वो देखो गेमबिट के हाथ में देखो लेजिट है क्या देख भाई देख इधर प्लेस करके देखो हो गई है ना तसल्ली तो हो गई लेकिन सुनो मेरी बात सुनो टू अवॉइड स्कैम्स मैं इसका आधा पेमेंट पहले लूंगा एंड आधा पेमेंट बाद में लूंगा इज दैट फाइन? ओ भाई बहुत पैसे है अपने पास आधा कितना होता है दो दे दे भाई गेम दस, दस का आधा 5 होता है ओके ज्यादा ही आप लोग पे डैम भाई मिला भी कैसे पता है अभी हां पीएसडी ने किसको मार के आया बताओ बल्कि को
उसका प्राइस था भाई। और उन उन्हीं के उन्हीं से लेके उन्हीं के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। वेरी कूल। ठीक है ठीक है ओके ओके मतलब एग्जैक्टली मैं आप लोग का साइड लूं पूरी वॉर में एंड उन लोग को मारना। या ऑब्वियसली बस हमें फाइट हम हारना नहीं चाहते भाई, अब तक हारे नहीं है, उसका टेंशन मत लो, वो मैं देख लूंगा फाइट नहीं हारने वाले। ओके और हो सके तो एक दो बंदे को बैन भी कर देना भाई। तो गाइस हमने फाइनली सेनपाई को 10 नेदरराइट के ब्लॉक्स देके अपने टीम में कर लिया था, बट अभी भी हमारे अगेंस्ट में 7 बंदे आने वाले थे और हम सिर्फ 4 ही थे, बट फिर भी हम इस वार को जीत सकते थे क्योंकि हमारे टीम में भले ही क्वांटिटी कम हो बट बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी, क्योंकि भाई सेनपाई स्पाइडर और PST1 बहुत अच्छे पीवीपी कर लेते हैं। हेलो बुल्स, यो बुल्स यार हारने आ गए क्या? हां देखते हैं कौन हारने आया है, आ जाओ तो चल जाएगा भाई। वाओ तुम्हारा एक टीममेट क्या हुआ, वो तो अभी से डर के नहीं आया यार। वही भाई उसको लग रहा है कि हम तीनों ही काफी है, तो फेयर फाइट होना चाहिए ना, तुम लोग तीनों हम चार क्यों आए? अरे अरे किसने बोला हम तीन? हम लोग फेयर फाइट नहीं, किसने बोला हम तीन पहली बार? अबे लेट्स गो। अरे ये क्या था भाई? हेलो सेनपाई। हेलो PST भाई। सिनपाई ने बोला था बल्कि और उसके टीममेट्स भी फटाफट से सर्वर ज्वाइन कर रहे थे। ठीक है डन, हम में से कोई पर्सन ऑफ इनविजिबिलिटी यूज नहीं करेगा। ठीक है एक सेकंड किसने मारा? चलो भाई भाई गाइस हो गया। व्हाट ये क्या है? तो सेनपाई ने उनके ऊपर भी इनविजिबिलिटी का पोषण डाल दिया था, ये करने से वो लोग एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, बट हमारे पास एक टेक्सचर पैक था जिसकी वजह से हमें अपने टीममेट्स का चड्डी कुछ इस तरह का दिखता है, तो इसी टेक्निक को यूज करके हम लोग फाइट करने वाले थे। और वार शुरू हुआ नहीं कि बल्कि की डाकू गैंग भी ऑलरेडी वार में इन्वॉल्व होने के लिए आ गई थी। अरे ये क्या है भाई? यार इनविजिबिलिटी ब्रो, ओ भाई पता ही नहीं चल रहा। टेडी कोड वर्ड बता दो, टेडी कोड वर्ड बता दो। तुम्हें कैसे पता चल रहा है कौन किस टीम का है? हेलो तुम्हें कैसे पता चल रहा है? ये युग है हमारे शील्ड पे को चड्डी गैंग टेक्सचर पैक से हम पहचान सकते हो। ब्रो इन्हें चीटिंग किया भाई, ये कुछ स्पेशल टेक्सचर पैक लगा के चीटिंग कर रहे भाई। ठीक है भाई तो कैसे पता कर रहे हो इनविजिबिलिटी लगा के भाई? एक काम करो भाई, नहीं भाई गाई, नहीं भाई गाइस एक काम करो अपनी टीम की शील्ड है सबके पास। यस यस डर गए गाइस, शील्ड निकालो शील्ड निकालो सब। डाकू गैंग मारो इसको मारो। ओ ये डाकू गैंग है क्या? ओके डाकू गैंग आ गए। ओ ये मार रहा है, युग को मार रहा है। लेट्स गो शील्ड रखो। चलो या अच्छा एक्शन। अरे मेरे को चल भाई सब फुल स्केल वो रखी है। ओ भाई फुल स्केल किया भाई, होल सर्वर अगेंस्ट अस। आ जाओ टाइम ब्रो, ये यहां सैंपल चल। ओ लो 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 अपनी टीम में तो कोई इनविजिबिलिटी यूज मत करना, ठीक है? और शील्ड रखना। कौन है मेरे को वही समझ नहीं आ रहा है भाई। इनविजिबिलिटी वालों को मारो, और जिनके पास हमारी हमारे बंदों ने शील्ड पकड़ रखी है सबने। एक सेकंड तो बोल क्या शील्ड है, आई थिंक सो। यस यस हमारी तो मेरे को क्यों मार रहा है बोल्ट? हमारी शील्ड येलो एंड ब्लैक है, अपने वाले सब शील्ड है। ठीक है हम उनको पकड़ो पहले। बोल्ट इज द फर्स्ट टारगेट, ठीक है? बोल्ट मरेगा। अरे ये तो वोल्ट को जो भी मारो पीछे। ओके ओके ओ भाई पॉइंट पे पॉइंट भाई। डायमंड गिवर एस मर गया। व्हाट शिट जी डीजे कैसे मरा? डीजे कैसे मरा? था ही नहीं। डायमंड गिवर एस कैसे मरा भाई? यस व्हाट लेट्स गो या कॉपी बॉय लेट्स गो। यस नहीं हमारी सैंपल में हूं। ये मेरे को मार रहा है अभी भी, ये डी एक्सट्रीम को मारना पड़ेगा भाई। एपिक यार, ये जो मार रहा है ये शायद यार ये किसने बचा। ये मेरे टीम। अरे ये तो अपना। अरे भाई ये भी अपने टीम का है भाई। बोल ये रहा बल्कि मरने वाला। मारो मेरे को ये हीरा
कॉपी को मारो, कॉपी को मारो, मारो 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 ये कौन है भाई? वेट 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 ए व्हाट द हेल कौन किधर है भाई? ब्रो कॉपी को मारो, ब्रो ब्रो शीश ब्रो कॉपी बच के ठीक है बच रहा हूं मैं। ये कौन है ये सेनपाई है। एक सेकंड मेरे को क्यों मार रहे हो? कॉपी को मारो, मारो मारो कॉपी मारो। इज माय शॉट। अरे सेनपाई भाई क्या है ये? एस्केप दिस सेनपाई। हेलो व्हाट? नहीं 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 एक सेकंड, ये सेनपाई तो है। सेनपाई अपने को मार रहा है? बहुत पहले मेरे को खरीद लिया गया था। मारो ना भाई, आप ही तो मारते हो और कौन मारो। एक हार्ट पे छोड़ दो, डोंट वरी, अगर होता भी है तो वहां तक पहुंच। यस जी भाई। ये यार जान भाई भाई तेरा ये तो भाई ऐसी चीज नहीं करते भाई लोग। गाइस ये भाई एक काम के नीचे आओ गाइस, कॉम्बैट लॉक से बाहर निकल के निकलते हैं। अरे यार कोई हां भाई ये ऐसे वार नहीं। आप भाई पोशन के नीचे भाई बड़े लेट है। आप बड़े लेट है। आ रहा हूं आ रहा हूं। आई मीन दो आर्ट पे। हां अभी का आ रहा हूं। कॉम्बैट ओसान भाई बड़े लेट है। क्या कर रहे हो? वो तो ठीक है बट कॉम्बैट लॉक तो फिर भी नहीं कर सकते भाई। ये सब भाग रहे हैं गाइस। मारो 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 ऐसा, बोल को मारो, बोल को मारो, बोल को मारो। एक मिनट गाइस, हल्की रेडी। अगर आप भाग गए तो बस मैं कुछ रेडी। हेलमेट गया, हेलमेट गया, बोल का मैं कॉम्बैट। लेट्स गो। नेवर। यस लेट्स गो गाइस। भाई ज्वाइन करोगे? रेडी रेडी करते अरे टेंशन से जला दो भाई, जला दो जला दो। हेलो गाइस औसान भाई, मेरा इंटरनेट क्रैश। अबे इंटरनेट मैं आना चाहता हूं इधर। लूट लो आर्मर, लूट लो आर्मर, लूट लो। तो कुछ इस तरह से हमने पूरे के पूरे एसएमपी को तबाह करके रख दिया और हमारे गैंग के ऊपर बाकी दो गैंग्स मिलके जो नाइंसाफी करने वाली थी उनको भी दमदार जवाब दे दिया। इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो कमेंट्स में जाओ और लिख दो चैट गैंग ओपी। मिलते हैं अगली ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।